A very good evening to everyone and welcome back to another video. So Nubra, आपको जैसे आपको पता कि हम पहुंच चुके थे तो यहाँ पे rooms की इस time बहुत ज़्यादा problems हैं. Almost जितने भी guest house, camping sites हैं सारे ही already booked हैं. तो हमने ये पहले ही book किया था, तो जो भी यहाँ ले आने की अभी सोच रहा है तो बेटर है कि सारी अपने accommodations बुक करके आएँ, पहले प्री बुकिंग करके आएँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत मुश्किल होगी नहीं तो. और हमारा गेस्ट हाउस भी बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है. वहाँ पर डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे हमारा बाहर बैठ के भी अगर चाहें तो खा सकते हैं. लॉन एरिया है, ये चेरीज लगी हुई है यहाँ पे. तो ये नीचे लॉन एरिया और चारों तरफ पहाड़ों का वो है. और हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पे है, तो अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं. तो आइए ऊपर चलते हैं, रूम देखते हैं. रूम देख के जब डिनर करने आएंगे तो डिनर पे आपको मिलूंगा, उससे पहले रूम में मिलता हूं, जल्दी आ जाऊँ. सो ऊपर रूम में लगेज वगैरह सारा रख दिया, तो नीचे आके बैठे हुए हैं पेड़ पौधों के बीच में. तो ये मेरे पीछे जो पेड़ है ये है गोल्डन एप्पल का पेड़. तो यहाँ पे गोल्डन एप्पल लगते हैं, यहाँ पे रेड एप्पल लगते हैं, चेरी भी लगी हुई है और साथ ही में बहुत सारे एप्रिकॉट्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं. तो बड़ा मज़ेदार जगह जो हमारा गेस्ट हाउस है, उसके चारों तरफ पहाड़ है. तो यहाँ से पॉसिबल तो नहीं है दिखना, छत के जैसा दिखूँगा. अगर मैं रूफ का रास्ता मिल गया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, बट लग नहीं रहा है. बट हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है और साथ ही में मौसम ख़राब होने की आशंकाएँ भी हैं. तो अगर मौसम ख़राब हुआ तो रात को बहुत ठंड होने वाली है और सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है पेंगोंग लेक के लिए. सो होप करते हैं कि मौसम ठीक रहे. तो बस अभी थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, उसके बाद कपड़े चेंज करेंगे, रोटी रोटी खाएंगे और फिर सो जाएंगे. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है. जैसे आप सबको पता, हम नुब्रा वैली में थे, रात को सो गए थे, पर नींद पता नहीं इस बारी मेरे को ट्रिप में नहीं आ रही. आ रही है, खुल रही है, आ रही है, खुल रही है. तो चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं, कितनी ही बढ़िया सुबह हो रही होगी. मेरी खिड़की से ये सामने से ऐसा व्यू था, मज़ेदार व्यू था. इस राइट साइड वाला मेरा व्यू था और साथ में अब जा रहे हैं हम बैगिंग नहा धो लिया है, बाबू बच्चा बन गए हैं, तैयार त्यूर हो गए हैं. तो अब हम जा रहे हैं, वो सूर्य देवता भी बाहर निकल रहे हैं वहाँ से आस्ते आस्ते. तो ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं. अर्ली मॉर्निंग इतना ब्रेकफास्ट लगता नहीं है, बट हमने रिक्वेस्ट किया था कि हमें जल्दी निकलना है, तो जल्दी निकलते निकलते फिर हम लेट हो गए थोड़ा सा. तो बस अब ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं आगे नुब्रा वैली की तरफ. तो भैया भी तैयार हो चुके हैं, तो चलो आओ चलते हैं. सो सफ़र हमारा स्टार्ट हो चुका है पेंगोंग लेक का. तो ये आप लास्ट बारी देख सकते, क्या बढ़िया नज़ारा आ रहा है, हल्की हल्की धूप आ चुकी है. ये है प्रॉपर सैंड ड्यून्स जहाँ पे कल रात को हम आए थे. तो यहाँ से प्रॉपर एक व्यू पॉइंट आता है सैंड ड्यून्स का, जहाँ से पूरे जितने भी सैंड ड्यून्स हैं लेफ्ट राइट और पीछे के जो समुंदर नदी जो भी है, जिस समुंदर नहीं सॉरी दरिया के पास, रिवर के पास भी जो सैंड ड्यून्स है वो सारे दिखते हैं. तो ये रहा प्रॉपर एक व्यू सैंड ड्यून्स का. आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत लग रहा है. ऊपर से जो सन रेज पड़ रही है ना, वो सामने मौसम जो ख़राब हो रहा है मेरे हिसाब से, आज फिर कहीं बर्फ़ पड़ रही है यहाँ पे. तो जब से हम आए हुए हैं इस बारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी जा रही है और नज़ारे हो रहे हैं, ठंड भी लगी जा रही है और साथ में जो अंदर है अंदर का टेम्परेचर लेके मुकाबले कम होता है. बट अगर आप टेंट में रहो टेंट में ठंड होती है, बट इनकेस अगर आप गेस्ट हाउस या होटल्स में रह रहे हो तो वहाँ पे इतनी ठंड नहीं फील होती क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ वॉल्स होती हैं. बट इफ यू स्टे इन टेंट, टेंट में बहुत ज़्यादा ठंड होती है क्योंकि लास्ट टाइम हम टेंट में रहे थे, टेंट में बहुत ज़्यादा ठंड थी. एक रजाई की जगह दो रजाइयों की जरूरत पड़ गई थी और पिछली बारी गर्मी इससे ज़्यादा थी. बट इस बारी एक रजाई की भी जरूरत नहीं पड़ी रात को क्योंकि कमरे में थे, कमरा कोजी एंड वार्म था. तो बस अब सफ़र स्टार्ट हो चुका है. लास्ट बारी सोचा आपको ये सैंड ड्यून्स दिखा दूँ निकलने से पहले, तो ये सैंड ड्यून्स के नज़ारे आप ले लो. तो फिर हम मिलता हूँ आगे आपको आगे अच्छे से पॉइंट. सो अभी हम पेंगोंग के रास्ते पे पड़ चुके हैं. जब आप नुब्रा से वापस आते हो पहला टर्न छोड़ के दूसरे टर्न से आपको लेफ्ट होना पड़ता है 30-40 किलोमीटर के बाद. सो रोड बड़ी ही प्यारी, तो कह सकते हैं प्यारी तो है, इतनी हाइट पे इतनी अच्छी रोड मिलना एक वो ही है क्या कहते हैं ब्लेसिंग्स. सो रोड तो अच्छी है पर रोड छोटी है, कह सकते हैं आप रोड छोटी है कि अगर आगे से कोई गाड़ी आ जाए आपको साइड पे करना पड़ेगा. और ये साइड पे आप पहाड़ देख सकते हैं, इनके हल्के हल्के से वो ददरे से निकले हुए हैं कि बाई चांस राइड पे हल्की सी गाड़ी हुई तो गाड़ी को वो भी लग सकता है पत्थर कोई. तो इस रोड पे ये पहले अंकल हमें मिले हैं बाइक पे, जो अभी तक यहाँ से कोई आ नहीं रहा क्योंकि ये पेंगोंग से, जब तक तो यहाँ से कोई पेंगोंग से नुब्रा आएगा तो ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद ही यहाँ इस रोड से आ रहा होगा. बट रोड और व्यू ज़बरदस्त है, तो सोचा आपको भी दिखाऊं क्योंकि आपको भी इंजॉय करना बनता जो हम देख रहे हैं. तो आप ये रूट भी ट्राई कर सकते हो यहाँ से. ऑलमोस्ट 140 या 150 किलोमीटर है, बट जो गूगल मैप है वो 204 दिखा रहा है, वो पता नहीं किस हिसाब से दिखा रहा है. गूगल का भी कभी कभी वो घूम जाता है, हाई ऑल्टीट्यूड है ना, उसको भी सिरदर्द लगी है सही से. तो बस रोड अब जहाँ पे सही से थोड़ी सी ही सही रोड है, बीच में ख़राब रोड भी है. तो बस आप आगे कोई अच्छा सा व्यू पॉइंट आएगा तो फिर आपको दिखाऊंगा वापस. सो
अभी हम थोड़ी देर के लिए रुके, बढ़िया सा व्यू दिखा। व्यू क्या कहते थे, साइड में ही पानी चल रहा है और गाड़ी के बिल्कुल साथ से ही बीच में से पानी के बीच में से गाड़ी निकली। जैसे आप वो देख सकते हैं, वो गाड़ी निकलेगी अभी। तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं है बट अच्छा लग रहा था, सोचा एक दो फोटोज खिंचा लेते हैं सारे खड़े होके, क्योंकि आगे फिर छाएं छाएं करते निकल जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त रोड आ गई है। रोड बिल्कुल सिंगल हो चुकी है और साइड पे आप देख सकते हैं पहाड़ बिल्कुल साथ में है। तो काट काट के हल्का सा साइड पे किया हुआ, अदरवाइज़ जो कुछ कुछ जगह से इनके स्पाइक्स निकले हुए हैं तो वो काफ़ी डेंजरस प्रूव हो सकते हैं समटाइम्स, अगर आपका ध्यान ना हो रोडों पर और ब्लाइंड कर्व्स बहुत ज़्यादा हैं तो कृपया हॉर्न करते रहें। हॉर्न वही कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटे वाली बात होती है यहाँ पे ऐसे मोड़ों पे और ऐसे रास्तों पे। सो यहाँ पे हेल्प भी इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होती, तो अपना ध्यान आपको खुद रखना तो बेटर रहेगा कि सड़क पे ज़्यादा ध्यान रखें और नज़ारों पे कम रखें। नज़ारों पे रखना तो थोड़ी देर गाड़ी रोक लें जहाँ पे आपको अच्छे नज़ारे दिख रहे हैं, 5 मिनट गाड़ी रोक के फोटोज़ खींच लें, नज़ारों इन्जॉय ले लें। बट जब आप जो बंदा गाड़ी चला रहा है वो खाली गाड़ी पे फोकस करें। और ये देखिए पुराना सा वो बना हुआ है, शायद से इंडियन आर्मी ने बनाया होगा ये क्रॉस करने के लिए ब्रिज। तो ये अभी तक रस्ट भी आ चुकी है, तो ये बहुत ही पुराना होगा मेरे हिसाब से। तो इंडियन आर्मी को भी सलूट है कि ऐसे ऐसे रस्तों पे जाके, ऐसे ऐसे इलाकों पे जाके उन्होंने रोड्स बनाई हैं। स्पेशली जो ब्रो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बढ़िया रोड कनेक्टिविटी हमें दे रहे हैं और वो और कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छी रोड कनेक्टिविटी हो, उनको भी सल्यूट है हमारी तरफ से। तो आप देख सकते हैं रोड हम वापस जा रहे हैं टूवर्ड्स अब लेह सिटी जा रहे हैं, आगे लैंडस्लाइड हो चुका है बहुत ख़तरनाक। तो बस वापस अब यहाँ से हमारी किस्मत में नहीं है, पिछली बारी भी पेंगोंग रह गया था, इस बारी भी उम्मीदें कम ही हैं। अब देखते हैं लेह सिटी जाके क्या प्लान बनता है, अगर एक दिन एक्सटेंड होता हमारा तो देन वी कैन थिंक ऑफ इट, अदरवाइज सोच विचार में भी नहीं है हमारा कि अब पेंगोंग जाएंगे। और वो सामने रोड बड़ी ख़तरनाक है, जो सामने आप देख रहे हैं ना गाड़ियाँ आते हुए, तो बड़ी ज़बरदस्त खतरनाक रोड है, वहाँ से एक टाइम पर एक गाड़ी ही पास कर सकती है, ज़्यादा नहीं पास कर सकती। और कुछ लोग सुनते ही नहीं है, वो कंफर्म करने जाते हैं आगे कि लैंडस्लाइड हुआ कि नहीं हुआ। सो आगे चलते चलते हम मेरे हिसाब से 20-30 किलोमीटर आ चुके हैं अपोजिट रोड पे, अब नुब्रा वाली साइड वापस नहीं जा रही है, अलग से लेकर रास्ता कटता है बीच में से। तो वापस हम ऑलमोस्ट 4000 मीटर अबव द सी लेवल पहुंच गए हैं। आप साइड पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे बर्फ़ वाले पहाड़ हैं हमारे ऊपर वाली तरफ, तो वहाँ पे बर्फ़ वाले पहाड़ हैं और आगे सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, जितनी वहाँ से हमारे साथ आगे तक गई थी वहाँ से कुछ गाड़ियाँ आगे चल रही हैं, कुछ हमारे पीछे चल रही हैं। तो रोड सिंगल है बट रोड साफ़ है। तो सामने हम जाते जाते आप मौसम देख सकते हैं कितना ही खतरनाक हो रहा है, मेरे हिसाब से आगे स्नोफॉल हो रही है और पहाड़ दिखना भी बंद हो गए हैं, फॉग के साथ साथ बड़ी खतरनाक स्नोफॉल चल रही है ऊपर। तो आप पता नहीं ये पास है कि क्या है, जो भी है रास्ते में आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। अभी जो हमारा रास्ता डीरूट हुआ था तो यहाँ पे देखिए बर्फ पड़ रही है, आप देख सकते हो कितनी जबरदस्त बर्फ पड़ रही है, पीछे मौसम आप देख सकते हो, यहाँ पे 5 या 4 डिग्री ऊपर मेरे हिसाब से माइनस होगा जहाँ से बर्फ आ रही है, और बड़ा ही मज़ा आ रहा है। भैया वो ऊपर चढ़े हुए हैं टिप्पों पे, हम नीचे हैं, पापा भी उतरे हैं, तो पीछे हमारी गाड़ियाँ आई जा रही हैं, तो हमने थोड़ी देर साइड पे लगाया, तो सोचा कुछ कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं, थोड़ा सा कंटेंट बना लेते हैं। कंटेंट मिल नहीं रहा था, लैंडस्लाइड ने सारा काम खराब कर दिया। आप देखते हैं एक्सटेंशन मिलती है नहीं मिलती हमें पैकों के लिए। लेह सिटी हम पहुँच चुके हैं तो पार्किंग में गाड़ी लगा दी, अब जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, नॉर्थ इंडियन या पता नहीं अब क्या खाएंगे। तो हमारे साथ एक और भैया आए हैं, इस पर उनकी लेह में ड्यूटी है, उनको आप सब जानते हैं, तो उनको मैं आपसे थोड़ी देर में मिलाता हूँ, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। सो अभी हम बैठे हुए हैं पंजाबी का रेस्टोरेंट, कहा था ना किसी से मिलाने वाला हूँ उपेंद्र भैया, तो ये यहाँ पे मेरे लिए ड्यूटी है इस टाइम पे, तो ये भी यहाँ ले सिटी आए हुए थे, तो हमारा पैंगोंग आपको पता कैंसिल हो गया, तो लक बाय चांस रब ने चाहा मिलाना था, तो वही होता जो होता है, तो हमारा कोई मिलने का प्लान ही था बट रब ने मिलाना था मिला दिया। तो यहाँ पे अब हम रोटी खाने आए हुए हैं, कढ़ाई पनीर बटर नान नहीं बटर रोटी, और साथ में आ रही है हमारी दाल मखनी, ये खाएंगे और फिर भागेंगे होटल की तरफ। तो यहाँ पे हमने अभी पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट में खाना खाया, गूगल मैप भी डालेंगे आपको लोकेशन मिल जाएगी। बस आपने ले की जो लास्ट रोड है जहाँ से मार्केट के अंदर घुसते हैं वहाँ से लास्ट के आके लेफ्ट हैंड साइड जाके बिल्कुल एंड में आके जब रोड पे आए थे तो वहाँ से राइट करोगे सामने आपको दिख जाएगा उसका बोर्ड। खाना बहुत ज़बरदस्त था, नॉर्थ इंडिया के किसी ने खाना हो तो दिस इज़ द प्लेस यू कैन डेफिनेटली चेक आउट, क्योंकि बनाने वाले सारे पंजाब से आए थे, पंजाबी खाना जो ना नॉर्थ इंडियन बड़ा मज़ा आता खाने में। सो खाना पीना डन हो चुका, ले मार्केट से जैसे ही बाहर निकला तो टायर पूरा फ्लैट हो गया लेफ्ट हैंड के आगे वाला, शायद से वो रास्ता बीच में जहाँ पे बहुत गंदा पैच था तो वहीं पे कोई पत्थर या कुछ लगा होगा जिसकी वजह से टायर टोटली फ्लैट हो गया, क्योंकि ट्यूबलेस टायर इतनी जल्दी फ्लैट नहीं होता, बट वो पूरा फ्लैट हो गया तो पंचर छोटा नहीं है, कुछ बड़ा सा ही पंचर लगा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पंचर लगवाने आए हैं, बहुत दूर
तो हवा इज स्टिल कमिंग आउट, हवा बाहर आ रही है, बट अभी पीछे से पेट्रोल पंप से हवा फिल करा के अब यहाँ पे पंचर लगवाने आए हैं। यहाँ पे भी लाइट बंद हो चुकी है, अब जैसे ही लाइट आएगी तो बस पंचर लगाएंगे। अब मेरे लेफ्ट साइड का मेरा लेफ्ट साइड का व्यू देख सकते हैं कितना ही प्यारा। जैसे आर्मी एरिया है, इसी के आगे पीछे एयरपोर्ट भी है यहाँ पे, और वो पीछे पहाड़ों पे बर्फ ही बर्फ है, और उस साइड हमारा होटल भी है। तो मम्मी और उनको हमने होटल भेजा, तो वो सारे होटल चले गए हुए हैं। तो बस मैं और दीदी पंचर लगाने आए, पंचर लगा के निकलेंगे रूम की तरफ। थके हैं बहुत ज़्यादा, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी, अभी रूम में जाकर डिसाइड करेंगे कि कल पैंगोंग जाएंगे या श्रीनगर की तरफ निकलेंगे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कौन कितना थका हुआ है। मैं तो जा सकता हूँ, पर बाकी भी हैं, बाकियों के भी ओपिनियन बड़ा मैटर करता है। तो बाकियों से भी पूछेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, फिर उस हिसाब से डिसाइड करेंगे क्या होता है। सो हम होटल वापस पहुँच चुके हैं, वही होटल ओरिएंटल होटल को बुक करा के गए थे वापस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी में क्या चेंजेस आए। पिछला टायर देखोगे आप तो अगला टायर देखोगे काला है, पिछला टायर ग्रे है। मतलब वो जो जिस रास्ते से आए वो शायद से थोड़ा ख़राब था, कंस्ट्रक्शन वगैरह लगी हुई थी उधर, इसकी वजह से टायर को कट लग गया, तो टायर टोटली डैमेज हो गया। तो अब मुझे डाउट है कि कल हम पैंगोंग जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप नहीं है ना कुछ है। तो शायद से कल हम निकलेंगे वापस जम्मू की तरफ। तो बस आज कोशिश करेंगे लास्ट दिन इन्जॉय करें, खाएँ पिए और मौज उड़ाएँ। सो रूम में थोड़ा बहुत रेस्ट करके चाय चुए पी के आधे पौना घंटा हो गया हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो पहले चप्पल डाली थी, अब शूज़ डाले, थोड़ा वॉक करने जा रहे हैं वापस बाहर। तो मौसम ख़राब हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो बारिश हल्की हल्की बारिश बूंदाबांदी हो रही है, पिछले बारी ना बर्फ़ पड़ी ना बूंदाबांदी, इस बारी बर्फ़ ही पड़ी है, बूंदाबांदी भी हो रही है हल्की हल्की, अभी भी पड़ रही है। रिजल्ट्स तो ये कैमरे पे दिखेंगे नहीं अच्छे से। सो अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं थोड़ा वॉक करने के लिए, देखते हैं कुछ अच्छा सा खाने को मिलता, कुछ खाएंगे भी, और साथ ही में इसी व्लॉग को यहाँ तक रखते हैं। होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो @चंदीप सिंह या चंदीप सुदन, दोनों मतलब एक ही आईडी खुलती है, तो उस पर फॉलो कर लो, उस पर लेटेस्ट अपडेट ज़्यादा जल्दी आते हैं, और रील्स वगैरह भी थोड़ी मैं बना लेता हूँ, कोशिश करता हूँ बनाने की, तो होप करता हूँ आपको पसंद आएंगी। तो जल्दी जल्दी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। टिल देन टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बस अपने मम्मी पापा की बात माना करो। थैंक यू।